गाइस वेलकम टू माय चैनल। डे टू आ गए हम द्वारका लोकेशन पे मेन ब्रांच में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एंट्री करी। एंट्री करने के बाद यहाँ पे अपना नेम वेम सारी चीज़ें आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है, रीजन क्या रखना था। देन आप इसके बाद आगे चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग और इसी वे में लेफ्ट साइड में ही आपको सीधा जाना है। फिर राइट, फिर लेफ्ट होना आगे से सीधा जाके, और ये डे टू का मेन गेट है। अब यहाँ से हम एंटर करते हैं और अंदर से जब सबसे यहाँ से ही राइट साइड में दो रूम नंबर है, जहाँ पे आपको हेड ऑफिस के इंक्वायरी जो भी चाहिए। राइट में जो दिख रहे हैं यहाँ पे और भी बंदे खड़े हैं, यहीं पे आपको आना है सबसे पहले और दो नंबर रूम नंबर में जाना है। और यही दो नंबर रूम है जहाँ पे आप इंक्वायरी करने आ सकते हो। और इसके अलावा आप आगे जाओगे, यहीं से आगे हो गए तो लिफ्ट आएगी, लिफ्ट से आपको सेकंड फ्लोर में जाना है 212 बी रूम नंबर में, वहाँ भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और मैं चलिए और आपको दिखाता हूँ आगे, हम लिफ्ट में जा रहे हैं। देन देखते हैं क्या लिफ्ट में आ गए हैं लिफ्ट, और सबसे हमें जाना है ये सेकंड फ्लोर में। देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं जूम करके, इस रूम यहाँ पे, ये 212 बी रूम नंबर है, यहाँ पे जाना है। चलो अब हम लिफ्ट से जा रहे हैं अंदर, और लिफ्ट हमने ऑन करी और अंदर जा रहे हैं। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, लिफ्ट आ गई। देन अब लिफ्ट में जा रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ इस ब्रांच में, मेन ब्रांच यहीं पे है, तो आपको मैक्सिमम पुलिस तो दिखेगी बहुत ज़्यादा, एक नहीं बहुत सारे। ये रूम में मैंने देखा, रूम का दिखाया कि रूम में प्रोजेक्टर चालू करवा के मैंने क्लासरूम दिखाई। स्पीकर्स लगे हैं, आप देख सकते हैं स्पीकर्स, और रूम रूम भी क्लासरूम है जो एक्चुअली जो रूम सब में सेम टू सेम प्रोसीजर सेम चीज़ है। तो आप अगर आप द्वारका मेन ब्रांच में अगर आपका हो गया तो आपके क्लासरूम ऐसे होंगे। अब हम इंक्वायरी रूम के लिए आगे चल दिए, क्लास को देखने के बाद इंक्वायरी रूम के बाद। एक्चुअली ना यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है थोड़ा, और मेंटेनेंस वर्क चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग भी हैं बाकी लोगों को भी। देन हम चल रहे हैं, तो देन देखते हैं क्या। ये क्लासरूम है, देख सकते हैं क्लासरूम, प्रोजेक्टर्स, ये दूसरा क्लासरूम है, सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रूम ऐसा है, सारे रूम एक ही जैसे बनाए गए हैं। मैंने देखा दूसरा रूम भी मैं आया हूँ तो सारे रूम सेम ही है। मैं लास्ट बेंच, मैंने अपना लास्ट बेंच पकड़ लिया ताकि हमारा अपना देख अपने अपना बेंच फिक्स कर लिया। डाइव बेंचर्स लास्ट में बैठेंगे हम। अब यार रूम के बाद हम दो देर तक चलो, अब एक बार इंक्वायरी रूम जा ही रहे हैं तो इंक्वायरी रूम जाते हैं और फिर देखते हैं क्या बताया गया। इंक्वायरी रूम का जो बताया जाता है मैं आपको बताता हूँ एक बार, लास्ट लास्ट से देखकर रिव्यू कैसा रिव्यू कैसा आता है। यहाँ बैठेंगे हम। गाइस मैंने इंक्वायरी कर ली तो मुझे ये बताया गया वहाँ पे कि और जिनका नहीं हुआ ना अभी अपग्रेडेशन, एक फोर्थ राउंड की सोच रहे हैं तो नोटिफिकेशन में भी आपके पास आ ही जाएगी अपग्रेड, जिसको अपडेट अपडेट करना है अपनी अपना कोर्स उसके लिए भी सोच रहे हैं ये, तो एक राउंड और करा जाए। और जिनका नहीं हुआ है कि भाई मेरा और हमारा किसी भी राउंड में नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो उन सबकी फीस करने के बाद जिन बंदों का नहीं हुआ उन सबका स्पोर्ट राउंड करवा रहे हैं। मैंने देखा था नोटिफिकेशन, उनकी साइड में तो ये लिखा हुआ है कि जो बंदे एडमिशन ले लेंगे उन्हीं का नेक्स्ट स्पोर्ट राउंड में वही जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। स्पोर्ट राउंड में वो जाएंगे जिनका कहीं भी नहीं हुआ, जिनका जिनको एक भी सीट नहीं मिली और किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ है, उनके लिए स्पोर्ट राउंड होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिन जिनका नहीं हुआ तो उनके पास एक और मौका है, अपने एक और चांस है, मे भी आपका हो जाएगा। तो अपना अभी आप अपना जो पैसे फ्रीज कर, जो बंदों का हो गया तो आप फ्रीज मत करो, 15 तक वेट करो, एक राउंड अपडेट वाला होगा तो आप वेट कर सकते हो। बट देखो ये इसका कन्फर्मेशन नहीं है, तो मैं बोलूँगा जो सीट मिल गई है तो उसी को आप, मैं एक जगह हो गया था, मैं दो नंबर में पूछा, फिर उन्होंने आपको सीट मिल गई है ना तो आप अगर फ्रीज कर दो, ये ना हो। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि फोर्थ राउंड होगा नहीं होगा, बट अपनी सीट को आप पहले कंफर्म कर दो, लास्ट टाइम में साइड ना चले, साइड में अलग आ गया तो दिक्कत बहुत हो सकती है। तो इस वजह से आप अपनी अपनी सीट फिक्स कर दो। देन आगे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिनका नहीं हुआ उनको मतलब बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए उनको अगर नहीं हुआ है तो उनको और चांसेस मिलेंगे, लाइक आपको आगे जाने के चांसेस मिलेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि वेट करें और स्पोर्ट राउंड में होगा। अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है तो द्वारका मेन ब्रांच में आके दो रूम नंबर, ग्राउंड फ्लोर पे है दो रूम नंबर, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। गाइस मैं तो बोलूँगा, उन्होंने बोला लास्ट में कि स्पोर्ट राउंड में उन बच्चों को लिया जाएगा जिन बच्चों का नहीं हुआ है, तो आप टेंशन ना लो, जिनका नहीं हुआ वेट करो, मे बी उनका आ सकता है, अभी भी चांसेस है। और उन्होंने ये बोला अगर आपको जारी अगर पूछना है कोई चीज़ तो आप सेकंड फ्लोर पे जा, ग्राउंड फ्लोर में सेकंड रूम नंबर पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स, तो द्वारका मेन ब्रांच में आके, बिकॉज और फोर्थ राउंड हो सकता है तो आप फ्रीज ना करें, मैं तो बोलूँगा वेट कर ले। तो चलो मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैंने आज मैं सेकेंड ब्रांच में गया हूँ, उसकी अंबेडकर जो है, जो अब अंबेडकर था पहले आईपी में, तो वहाँ पे क्या था उसकी उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने प्रिंसिपल से बात किया तो वो मैंने वीडियो में बताऊंगा। तो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ तो वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, और इसकी एक दो वीडियोज़ और हैं कॉलेज की जो मैंने बात किया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको उसके बारे में पता चल जाए। गाइस गाइस मैं मिलता हूँ आपसे बात में, बाय गाइस, तो मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।